खान साहब के का आज इंतकाल हुआ, लेकिन जो एक सियासी करप्शन है वो अब तक रही है। शाहिद, ये सियासी करप्शन है या मामला क्या है यार बलोचिस्तान के अंदर, ये क्या खिचड़ी बन रही है, जरा उसको जरा बता दें जरा जल्दी से। सब बेसिकली मेरे ख्याल से ये तहरीक अदम एतमाद नवाब जहरी के खिलाफ नहीं, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये नाराजगियां गुज़िश्ता एक डेढ़ साल से थीं। तो ये सनाउल्ला ज़हरी साहब जो है बार बार जो है वो गवर्नर हाउस क्यों जा रहे हैं, कि उनको ये लग रहा है कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी उनकी किश्ती जो है डूबती हुई किश्ती को बचा सकते हैं। देखें, इस वक्त उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक नवाब सनाउल्ला ज़हरी को महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं और दूसरे आसिफ खान बिजन जो उनकी अपनी जमात नून लीग उनके साथ नहीं है। इनसाइडर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अब जो नाराज़ अराकीन है उनकी स्ट्रेंथ 40 को टच कर सकती है। आज बड़ा दिलचस्प एक लतीफ़ा हुआ, जो अराकीन असेंबली रिज़ाइन कर रहे हैं वजारतों से या नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं तो ठीक है, एक नॉन इलेक्टेड एडवाइज़र्स ने भी आज रिज़ाइन किया, उन्होंने रिज़ाइन देने का फैसला किया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने भी आज रिज़ाइन किया। अच्छा।